हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बनाएंगे सत्तू की लिट्टी। सत्तू की लिट्टी बिहार में सबको पसंद है क्योंकि ये बिहार की फेमस रेसिपी है। चलिए जल्दी से इस मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा प्याज बारीक काट के लिया है, साथ ही बारीक कटे हुए लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, साथ में बारीक कटे हुए अदरक भी लेंगे। इन सबको चॉपर में साथ में ही आप चॉप कर सकते हैं, इससे कि आपका टाइम भी बचेगा और काम जल्दी होगा। और साथ में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और इसका सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स हम डालेंगे इसमें अचार। आप आम का भी अचार ले सकते हैं, हमने यहाँ पर लाल मिर्च का अचार यूज़ किया है। और आधा टेबल स्पून हम डालेंगे अजवाइन। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ऊपर से एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे एक कटोरी चने का सत्तू। दोस्तों, वैसे तो लिट्टी को हर मौसम में पसंद किया जाता है, लेकिन अगर बारिश का मौसम आए तो लिट्टी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, जब भी हम सत्तू का मिश्रण बनाएंगे तो हम नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि अचार में भी नमक रहता है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे कि 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे, और कुछ इस तरीके से कि मुट्ठी बंद हो जाए, उस तरीके से बन जाए हमारे सत्तू। ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, ये बहुत ड्राई है। सत्तू का मिश्रण तो बन के तैयार हो चुका है, अब चलिए बनाते हैं आटे का डो। अगर इस तरह के सत्तू को हम अपने लिट्टी में भरेंगे तो वो खाते वक्त बहुत ही ज़्यादा सूखा सूखा सा लगेगा और गले में अटकेगा भी। चलिए अब आटे का डो लगाते हैं। इसके लिए 2 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। इसके जगह पे आप चाहे तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन। इसे हाथों से क्रश करके डालें जिससे कि इसका फ्लेवर और भी निखर के आता है। इसी के साथ आधी छोटी चम्मच स्वाद अनुसार नमक लेंगे, और 3 से 4 बड़े चम्मच हम लेंगे मोयन के लिए किस कोई भी वेजिटेबल रिफाइन ऑयल, या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोयन के लिए बिल्कुल भी सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि उसमें जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, जिससे कि खाते वक्त काफ़ी अजीब सा लगता है। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और नॉर्मल पानी से इसका सख्त डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम पहले इसको एक जगह इकट्ठा करेंगे, और दोनों हाथों की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे, कुछ इस तरीके से जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। 10 मिनट के लिए आटे को रेस्ट पे रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं तो इसके छोटे छोटे लोई बनाएंगे। अब इसका छोटा छोटा लोई बना लेंगे। आपको छोटा या बड़ा जिस भी हिसाब से लिट्टी बनानी है उस हिसाब से आप लोई बना ले। इस लोई को अच्छे तरीके से मसलते हुए पहले लड्डू का शेप देंगे, और फिर हल्का सा सूखा आटा लगाकर हम इसे कटोरी का शेप दे देंगे, जैसे कि आपको वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से उंगलियों और अंगूठे के सहायता से हम इस तरीके से कटोरी बना लेंगे, जिससे कि हम इसके अंदर स्टफिंग भर सके। और हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए हम इसको बंद कर देंगे, और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से आपको वीडियो में दिखाया है कि स्टफिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से कटोरी बनाने नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, सूखे आटे में डस्ट करें और इसे पहले मोटा पूरी बेल लें, और उसके बाद इसमें मिश्रण भरें। तो इस तरीके से हम आटे में सारे मिश्रण को भर लेंगे और इसे एक गोल शेप दे देंगे। जब तक कि हमारी लिट्टी भर रही है तब तक हम तेल को भी गर्म होने के लिए रख देंगे। अब तेल हमारी अच्छे से गर्म हुई है कि नहीं तो हम क्या करेंगे, हमें जैसे ही महसूस हो कि तेल गर्म हो चुकी है, हम छोटा सा लोई लेंगे और इस तरीके से तेल में डालेंगे। अगर अच्छी तरीके से वो लोई पक रही है मतलब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो बारी बारी से हम हमारे सारे लिट्टियों को डालेंगे, और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। आपकी कढ़ाई में जितने भी लिट्टी आ सकते हैं आप आराम से लिट्टी को डालें, क्योंकि इसे तलने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। 2 मिनट के बाद हम देखेंगे नीचे की सतह पक चुकी है, तो हम इसे अलट पलट कर ही पकाएंगे। ध्यान रहे, इसे पकाते हुए हम गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर की सतह जो है वो जल जाएगी या फिर क्रिस्प हो जाएगी और अंदर बिल्कुल ही कच्चा सा रहेगा। तो इसे पकाते वक्त हमेशा ही गैस का फ्लेम
मीडियम टू लो ही रखेंगे। तो ये देखिए हमारी लिट्टी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है। ये देखिए इसका कलर। ज़्यादातर तो लिट्टी को हम बैंगन के भरते के साथ सर्व करते हैं या फिर चटनी के साथ, चाय के साथ सर्व करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ अलग तरीके से लिट्टी को मटन के साथ सर्व किया है। ये बहुत टेस्टी लगे थे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप लोग भी इस तरीके से लिट्टी के साथ मटन को सर्व करें, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो बारी बारी से हम हमारे सारे लिट्टी को इसी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे सारे लिट्टी को अच्छे से तल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम आपको फोड़ के दिखा रहे हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर अपने घरों पे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, बढ़िया बढ़िया से कॉमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। लिट्टी जो है वो ज़्यादा तेल नहीं सोखता है, वो बहुत ही कम तेल सोखता है। और क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे में बनाया है, चने के सत्तू से बनाया है, तो ये एक हेल्दी रेसिपी है। अगर आप डाइट पे भी हो तो आप इस तरीके से लिट्टी बनाएं और खाएं, ये आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। और कभी मटन के साथ ट्राई करें, आपको और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ।